नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 13 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड ने जारी किए मैट्रिक और इंटर के डमी एडमिट कार्ड। सीएनजी गाड़ियां खरीदने के लिए सरकार दे रही है अनुदान। बिहार बोर्ड ने सेंट्रल स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्कीम के लिए मांगे। बिहार का डिजिटल चुनाव बना मॉडल। कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड ने जारी किए मैट्रिक और इंटर के डमी एडमिट कार्ड। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के डमी एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है, जिसके तहत जो भी अभ्यर्थी अगले साल होने वाले परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वो बोर्ड की तरफ से जारी किए गए मैट्रिक और इंटर के डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और गलती सुधार कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे, यह डमी एडमिट कार्ड 25 अक्टूबर तक ही उपलब्ध रहेगा। साल 2022 में आयोजित होने वाली इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में छात्र छात्रा इसी डमी एडमिट कार्ड के आधार पर शामिल हो सकेंगे। एडमिट कार्ड में कोई गलती नहीं रह जाए, इसीलिए बोर्ड की तरफ से हर साल ही डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। छात्र और छात्रा इसमें सुधार करवा सकते हैं, इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। ध्यान रहे, इसके लिए स्कूल के प्राचार्य की सहमति अनिवार्य है। बिहार के अब शहर में भी मिलेगा गांव जैसा शुद्ध ऑक्सीजन। शुद्ध हवा की तलाश में बिहार के शहरवासी अक्सर गांव की ओर कूच करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब शहरवासियों को भी गांव वालों की ही तरह ताजी और शुद्ध हवा मिलने वाली है। इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार रहित क्षेत्र का जाल बिछाने की योजना तैयार कर रहा है। इससे राज्य के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सभी 18 नगर निगम के आयुक्तों, 83 नगर परिषद और 157 नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को शहरी वानिकीकरण का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर राज्य में पहली बार मियावाकी पद्धति से पौधारोपण किया जाएगा। इसको लेकर बिहार राज्य के नगर निकायों में मियावाकी पद्धति द्वारा पौधारोपण के प्रस्ताव पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ मंथन कर सहमति बन गई है, जिस पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भी सहमति दे दी है। ज्ञात हो, इस पद्धति में पौधारोपण के लिए पौधे के बीच कोई निश्चित दूरी नहीं रहेगी। बिहार में नाजायज कर्मचारियों के हवाले है भू लगान वसूली की व्यवस्था। बिहार में लगान वसूली के बहाने किसान हर दिन ठग का शिकार हो रहे हैं, जिसे ठगी करने वाले इस नाम पर बड़ी रकम की चपत भी लगा रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी इसमें यह है कि राज्य में लगान वसूली की पूरी व्यवस्था नाजायज कर्मचारियों के हवाले है। किसान तो असली कर्मचारी को पहचानते भी नहीं है, सब कुछ दलाल के हवाले से ही होता है। आलम कुछ यूं है कि जमीन मालिक तो उसे कर्मचारी मानते ही हैं, अधिकारी भी उसी से बात करते हैं, जिसको देखते हुए ही विभाग ने लगान जमा करने की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है और अधिक किसान ऑफलाइन ही रसीद कटवा लेते हैं। इसके लिए कर्मचारी के घर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे थे। सीएनजी गाड़ियां खरीदने के लिए सरकार दे रही है अनुदान। पटना नगर निगम क्षेत्र में परिचालित प्राइवेट मिनी डीजल बसों की जगह अब सीएनजी बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग योजना बना रहा है। अब डीजल बसों की जगह पर सीएनजी बसों को चलाने की बात कही गई है। साथ ही सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि पटना नगर निगम क्षेत्र में डीजल चलित निजी मिनी बसों की जगह सीएनजी मिनी बसों की खरीद के लिए अधिकतम 7.50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया है कि पटना शहरी क्षेत्र में डीजल की जगह सीएनजी बसों के परिचालन में प्रदूषण में कमी आएगी। लाभुकों का चयन कर अनुदान भुगतान की कार्रवाई के लिए पटना जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अशोक कुमार की। अशोक कुमार का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में आज ही के दिन साल 1911 को हुआ था। अशोक कुमार को दादा मुनि भी कहा जाता है। वो एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त की थी। उन्हें भारत सरकार द्वारा सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण भी मिला था। उन्हें भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माना जाता है, जो समान रूप से प्रमुख, प्रतिपक्षी और चरित्र भूमिकाएं निभाते हों। अब एक क्लिक में देख सकेंगे थाना, अस्पताल समेत अन्य सरकारी भवन का लोकेशन। बिहार में अब कौन सा थाना, अस्पताल और सरकारी भवन कहाँ है, इस बात की जानकारी आसानी से मिलने वाली है, क्योंकि अब आप बस एक क्लिक में सारी जानकारी मोबाइल पर देख सकते हैं। इसको लेकर जल्द ही सभी सरकारी दफ्तर की GIS मैपिंग की जाएगी। अलग अलग विभागों में इसको लेकर काम शुरू हो गया है। गृह विभाग ने अपने तमाम भवन और भूमि की GIS मैपिंग करवाकर उसे ऐप पर डाउनलोड करने की कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि ये भी साफ कहा गया है कि शुरू में ये कुछ चुनिंदा जगहों पर ही किया जाएगा, इसके बाद बिहार के स्तर पर ये काम पूरा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गृह विभाग के अधीन सभी भवन और भूमि की GIS मैपिंग को लेकर हाल ही में बैठक आयोजित की गई थी। पंचायत चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर आयोग ने तेज की कार्रवाई।
पंचायत चुनाव के दौरान हो रही गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसको लेकर 5 लाख से अधिक लोगों के पास नोटिस भेजने का काम कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अब तक 5,24,000 से अधिक लोगों के खिलाफ अपराध प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया गया है। इनमें से 2,04,000 से अधिक व्यक्तियों से बॉन्ड पेपर भरवाया गया है। ज्ञात हो पंचायत चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 2,456 स्थानों पर चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर ग्रामीण इलाकों में उपद्रवी तत्वों को चिन्हित कर नोटिस देने और बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। पटना सहित 5 जिलों में सबसे ज्यादा रिक्तियां। प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलावार रोस्टर की क्लियरेंस का काम किया जा रहा है, जिसको किसी भी हाल में 23 अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। ज्ञात हो रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति से पहले जरूरी रोस्टर क्लियरेंस की जिलावार सूची जारी की है। सबसे ज्यादा प्रधान शिक्षक पटना, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण और गया जिले में नियुक्त किए जाने हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक के जितने पद हैं उतने ही प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। फिलहाल अभी तक पूरे प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालय प्रभारी प्रधान अध्यापकों के भरोसे चल रहे थे। 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मिली मंजूरी। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन देने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि DCGI ने बच्चों में कोवैक्सीन को लेकर मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार समेत देश के ज्यादातर राज्यों में जब स्कूल खोला गया था लोग इसे सही निर्णय नहीं बता रहे थे, लेकिन बाद में कोरोना की स्थिति सामान्य हो गई। कोरोना को लेकर एक्सपर्ट का भी कहना है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चों के होने की संभावना है। ऐसे में अब जब बच्चे को वैक्सीन लगाने की बात कही गई है तो बच्चों के माता पिता के लिए अब राहत भरी खबर भी सामने आई है। बदलने लगा मौसम का मिजाज। बिहार में दशहरा के मौके पर इस बार मौसम लोगों का भरपूर साथ देगा, ऐसा 2 साल के बाद हो रहा है। साल 2019 और 2020 में दशहरा के दौरान भी पटना सहित राज्य के तमाम शहरों में बारिश हो रही थी। इसका असर मेले पर भी पड़ा था। 2019 में तो लगातार बारिश के कारण पटना के ज्यादातर इलाकों में जलजमाव की स्थिति हो गई थी। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार इस बार दशहरा के दौरान राज्य में बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। बारिश की गतिविधियों पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है। इसके साथ ही इस महीने के तक गुलाबी ठंड आने की संभावना भी जताई गई है। सप्तमी को सभी पूजा पंडाल में खुल गया पट। शारदीय नवरात्र में बीते दिन मां दुर्गा पूजा पंडालों का पट खुल गया है। पट खुलते ही मां दुर्गा पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी जमा होने लगी है। हालांकि सभी पंडालों को पहले ही कोरोना के गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दे दी गई थी। साथ ही सभी लोगों से भी नियमों का पालन करते हुए पंडालों को देखने जाने की अपील की गई थी। इसको लेकर सभी पूजा पंडालों के आसपास प्रशासन ने दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को भी और मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात कर दिया है। इसके साथ ही नवरात्र के मौके पर पूजा पंडाल में भक्ति संगीत बजने के कारण माहौल भक्तिमय भी हो गया है। सप्तमी के मौके पर घरों में भी काल रात्रि की पूजा बीते दिन की गई। एडवांस ट्रेनिंग से बिहार पुलिस होगी अत्याधुनिक। बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिहार पुलिस की प्रशिक्षण शाखा द्वारा सिपाही से लेकर DSP तक के अधिकारियों की इंडोर आउटडोर ट्रेनिंग कराई जा रही है। DG ट्रेनिंग आलोक राज के मुताबिक पुलिस सब इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के पुलिस अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण पुलिस अकादमी राजवीर में होगा। इसको लेकर DG ट्रेनिंग आलोक राज ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि सब इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग राजगीर में होगी। दरअसल बिहार में पिछले साल ही प्रमोशन के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशिक्षण करने पर ही उन्हें प्रमोशन और दूसरे लाभ दिए जाएंगे। बिहार बोर्ड ने सेंट्रल स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्कीम के लिए मांगे आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सेंट्रल स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए छात्रों से ऑनलाइन आवेदन की मांग की है। इसको लेकर सारी जानकारी समिति की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर उपलब्ध करवा दी गई है, जिसके तहत अब छात्र ऑनलाइन आवेदन NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 30 नवंबर तक आवेदन का विकल्प दिया गया है, वहां जाकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं, जिसके तहत आवेदन के अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 0.58 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही +2 और उच्चतर स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधानों को निर्देश दिया गया है कि वो इस योजना के संबंध में छात्रों के बीच जागरूकता फैलाएं।
गंगा को गया ले जाने की बनी योजना। गंगा जल को बिहार के कई जिलों तक पहुंचाने को लेकर बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में गंगा को गया तक ले जाने का मिशन तैयार किया गया है। इससे पहले सीएम नीतीश ने गंगा नदी के पानी को नालंदा और गया तक ले जाने का मिशन शुरू कर दिया था, जो कि अब काफी हद तक सफल नजर आने लगा है। इसका जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश बीते दिन नालंदा पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने राजगीर और उसके आसपास के इलाकों में गंगा जल उद्वह योजना का जायजा लिया। वहीं इस योजना को गया जिले तक पहुंचाने के लिए जल्द ही सीएम नीतीश गया जिले के दौरे पर भी जाने वाले हैं। वहीं बीते दिन नवादा पहुंचे सीएम नीतीश ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की, साथ ही अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किया। जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। बिहार में कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बिहार विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए जारी कर दी है। बिहार में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बता दें कि इस लिस्ट में कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार का नाम शामिल है। कांग्रेस द्वारा जारी लिस्ट में 20 स्टार प्रचारकों के नाम में मीरा कुमार का नाम सबसे ऊपर है। कांग्रेस की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास, सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा, तारिक अनवर, मदन मोहन झा, अजीत शर्मा, निखिल कुमार, सांसद अखिलेश सिंह, डॉक्टर अनिल शर्मा जैसे भी कई बड़े चेहरे हैं जो दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए बिहार में वोट मांगेंगे। इनके अलावा और भी कई नामों को इस सूची में शामिल किया गया है। बिहार में होगा विशेष ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन। बिहार में जल्द ही विशेष ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके तहत ही अब ट्रांसजेंडर वर्ग के लोगों के खिलाफ होने वाले अप्रिय घटनाओं के रोकथाम का काम हो सकेगा। मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसजेंडर के लिए बनाए जा रहे सेल पुलिस महकमे की सीआईडी शाखा के कमजोर वर्ग इकाई के अंतर्गत काम करेगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल गठित करने के लिए विचार चल रहा है। इसकी प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की गई है। जारी किए गए एसओपी के अनुसार एडीजी ही इस सेल के अध्यक्ष होंगे और इसकी समुचित मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं कमजोर वर्ग के एसपी को इस सेल का सचिव बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, तैयार किए जा रहे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन में एक विशेष डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 3 दरोगा और 2 सिपाही भी तैनात होंगे। बिहार का डिजिटल चुनाव बना मॉडल। गुजरात के राज्य निर्वाचन आयुक्त बीते दिन राजधानी पटना पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने बिहार के डिजिटल चुनाव की खूब तारीफ की है, साथ ही बिहार के इस डिजिटल चुनाव को मॉडल भी बताया है। उनका कहना है कि इस अभिनव प्रयोग की सहायता से चुनाव की जटिल प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है। बिहार में नए कॉन्सेप्ट पर हो रहे पंचायत चुनाव का मॉडल देखने आए गुजरात के राज्य निर्वाचन आयुक्त संजय प्रसाद को डिजिटलाइजेशन भाग गया है, जिसके बाद अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि देश में पहली बार डिजिटल चुनाव के कॉन्सेप्ट का गुजरात में भी प्रयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव में बोगस वोटिंग रोकने में पहली बार बायोमेट्रिक से सत्यापन की प्रक्रिया बेहद कारगर सिद्ध हुई है। लालू यादव को जेल पहुंचाने वाले आईएएस अफसर बने पीएम मोदी के सलाहकार। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को जेल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले अमित खरे एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। हालांकि इस बार वो लालू की वजह से सुर्खियों में नहीं आए हैं, बल्कि अमित खरे को नई जिम्मेदारी मिल गई है, जिसके कारण ही वो सुर्खियों में एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं, जिसके तहत पूर्व आईएएस अधिकारी अमित खरे पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में अब नियुक्त किए गए हैं। उनका रैंक और स्केल भारत सरकार के किसी अन्य सचिव के बराबर होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार झारखंड कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी खरे ने दिसंबर 2019 में शिक्षा मंत्रालय के सचिव का पदभार भी ग्रहण किया था, जिसके बाद उनकी नियुक्ति के कुछ ही समय के भीतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट द्वारा 29 जुलाई 2020 को अनुमोदित कर दिया गया था। छठ पूजा के रोक के विरोध में प्रदर्शन करने बैठे मनोज तिवारी हुए घायल। बीते दिन दिल्ली सरकार के छठ पूजा के आयोजन पर लगी रोक के फैसले को लेकर दिल्ली में भाजपा ने जमकर बवाल काटा, जिसके तहत मनोज तिवारी समेत कई अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना दिया। हालांकि इस दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी के चोटिल होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सीएम के घर के बाहर बैठे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी बैरिकेडिंग के नीचे गिर गए, जिससे उनके सिर में चोट आई है, उसके बाद ही उन्हें भर्ती करवाया गया है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर पिता को अपमानित करने के लगाए आरोप। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है। ऐसे में अब लोक जनशक्ति पार्टी
ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना पहुंचे और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। चिराग ने कहा है कि सीएम नीतीश ने जीते जी रामविलास पासवान को अपमानित तो किया ही, लेकिन मरणोपरांत भी वो दिवंगत नेता को अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने हमेशा मेरे पिता रामविलास पासवान का अपमान किया है। रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर जदयू कोटे के मंत्री ने बड़े बड़े दावे किए, स्मारक बनाने, प्रतिमा लगाने, रोड का नामकरण और राजकीय अवकाश की घोषणा का तक वादा किया था, लेकिन इनमें से किसी एक वादे को भी सरकार ने पूरा नहीं किया। तेजस्वी ने नेताओं को दिया होमवर्क। बिहार में दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजद ने करो या मरो का नारा दिया है। आपको बता दें कि राजद की मंगलवार को हुई बैठक में सीधे सीधे शब्दों में कह दिया गया है कि हर हाल में उन्हें इन दोनों सीटों पर जीत चाहिए। राबड़ी आवास पर दो घंटे चली बैठक में राजद नेताओं को टास्क मिला। राबड़ी आवास पर हुई बैठक में उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को जहां पार्टी नेतृत्व की तरफ से जवाब दे दी गई है वहां वो वहीं पर काम करेंगे। हर हाल में पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक में वोट मैनेजमेंट और सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हुए चुनाव प्रचार किए जाए। साथ ही तेजस्वी ने यह भी कहा है कि हम दोस्ताना मुकाबला लड़ने के लिए चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, हमें राजद उम्मीदवार को जिताना है। भाजपा ने 40 साल बाद राजद के अध्यक्ष के नाम की भविष्यवाणी। बिहार की राजनीति में हर दिन पक्ष विपक्ष की तरफ से बयानबाजियों का सिलसिला देखने को मिल ही जाता है। इसी बीच अब भाजपा ने एक बार फिर से राजद पर निशाना साधा है, जिसके तहत भाजपा ने 40 साल बाद राजद का अध्यक्ष कौन होगा इस नाम का खुलासा किया है, जिसके तहत बिहार सरकार में मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव शादी कर ले तो 40 साल बाद राजद अध्यक्ष ही उनका बेटा होगा, यह तय है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजद परिवारवादी पार्टी है। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को हमारा सुझाव है कि पहले अपने बड़े भाई और परिवार को संभाले, राजनीति राजनीति खेलने के लिए तेजस्वी यादव के पास अभी बहुत अवसर है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार 1999 में भारत के प्रधानमंत्री बने। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 के सितंबर महीने के बाद से बिना वसीयतनामा वाले हिंदू परिवारों के पैतृक संपत्ति के बंटवारे में किसी महिला या लड़की का परिवार के पुरुष सदस्य के बराबर हिस्सा मिलने का निर्णय दिया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने जून में हुए उपहार थिएटर अग्निकांड मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पीड़ितों के लिए निर्धारित की गई मुआवजा राशि और सिनेमा मालिक अंसल बंधुओं पर लगाई गई दंडात्मक हर्जाना 2011 में घटा दी थी। भारतीय अभिनेता अशोक कुमार का जन्म 1911 में आज ही के दिन हुआ था। मुगल बादशाह अकबर का सिंध में अमरकोट में 1942 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारतीय गायक किशोर कुमार ने आज ही के दिन 1987 में दुनिया को अलविदा कहा था। पूर्व मुख्य चयनकर्ता ने रवि शास्त्री के बाद इस दिग्गज को टीम इंडिया का हेड कोच बनाने की जताई इच्छा। भारत के पूर्व मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने टीम इंडिया के अगले हेड कोच को लेकर अपनी पसंद को बयां किया है। प्रसाद ने बताया है कि वो टीम इंडिया के अगले मुख्य कोच के रूप में किसे देखना चाहेंगे। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज प्रसाद का मानना है कि राहुल द्रविड़ को शास्त्री की जगह ले लेनी चाहिए। इस बात को लेकर प्रसाद ने द टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं निश्चित रूप से महसूस करूंगा कि आगे चलकर राहुल द्रविड़ और एमएस धोनी को टीम से जुड़ना चाहिए, राहुल एक कोच के रूप में और धोनी एक मेंटोर के रूप में। भारतीय टीम में रवि शास्त्री के कार्यकाल के बाद धोनी और राहुल को देखना शानदार होगा। के पिता ने अमिताभ बच्चन को रिटायरमेंट की दी सलाह। अमिताभ बच्चन की बढ़ती उम्र से उनके काम से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उनके समय के लगभग सभी अभिनेता अपने प्रोफेशन से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वो अभी भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव है। इस उम्र में वो बॉलीवुड के सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक है। ऐसे में सलमान खान के पिता और मशहूर राइटर सलीम खान ने बिग बी को रिटायरमेंट की सलाह दी है। आपको बता दें खुद सलीम खान अब अपने काम से संन्यास लेकर अपनी वाइफ और बेटे के साथ हैप्पी लाइफ बिता रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, विजय घायल, गौतम कुमार, रविंद्र पासवान, गुड्डू प्रजापति, विनय कुमार, दिव्यांशु कुमारी, विनोद कुमार, ललित कुमार, लाल बाबू कुमार, अर्चना नारायण, ओम प्रकाश। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में किस टीम के फाइनल मुकाबले में पहुंचने की सबसे ज्यादा संभावना है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।